स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे नाथसी जर्मन में युवाओं की स्थिति। देखिए, युवाओं में हिटलर की दिलचस्पी जुनून की हद तक पहुंच चुकी थी। उसका मानना था कि एक शक्तिशाली नाथसी समाज की स्थापना के लिए बच्चों को नाथसी विचारधारा की गुट्टी पिलाना बहुत जरूरी है। इसके लिए स्कूल के भीतर और बाहर दोनों जगहों पर पूरा नियंत्रण आवश्यक था। नाथसीवाद के दौरान स्कूलों में क्या हो रहा था? तमाम स्कूलों में सफाई और शुद्धिकरण की मुहिम चलाई गई। यहूदी या राजनीतिक रूप से अविश्वसनीय दिखाई देने वाले शिक्षकों को पहले नौकरी से हटाया गया और बाद में मौत के घाट उतार दिया गया। बच्चों को अलग अलग बिठाया जाने लगा। जर्मन और यहूदी बच्चे एक साथ ना तो बैठ सकते थे और ना ही खेल कूद सकते थे। बाद में अवांछित बच्चों को, यानी यहूदियों, जिप्सियों के बच्चों को, विकलांग बच्चों को स्कूलों से निकाल दिया गया। 40 के दशक में तो उन्हें भी गैस चैम्बरों में झोंक दिया गया। अच्छे जर्मन बच्चों को नाथसी शिक्षा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। यह विचार धारात्मक प्रशिक्षण की एक लंबी प्रक्रिया थी। स्कूली पाठ्य पुस्तकों को नए सिरे से लिखा गया। नस्ल के बारे में प्रचारित नाथसी विचारों को सही ठहराने के लिए नस्ल विज्ञान के नाम से एक नए विषय पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। और तो और, गणित की कक्षाओं में भी यहूदियों की एक खास छवि गढ़ने की कोशिश की जाती थी। बच्चों को सिखाया गया कि वे वफादार व आज्ञाकारी बने, यहूदियों से नफरत और हिटलर की पूजा करें। खेल कूद के जरिए भी बच्चों में हिंसा और आक्रामक की भावना पैदा की जाती थी। हिटलर का मानना था कि मुक्केबाजी का प्रशिक्षण बच्चों को फौलादी दिल वाला, ताकतवर और मर्दाना बना सकता है। जर्मन बच्चों और युवाओं को राष्ट्रीय समाजवाद की भावना से लैस करने की जिम्मेदारी युवा संगठनों को सौंपी गई। 10 साल की उम्र में बच्चों को यूंग फोक में दाखिल करा दिया जाता था। 14 साल की उम्र में सभी लड़कों को नाथियों के युवा संगठन हिटलर युद्ध की सदस्यता लेनी पड़ती थी। इस संगठन में वे युद्ध की उपासना, आक्रामकता व हिंसा, लोकतंत्र की निंदा और यहूदियों, कम्युनिस्टों, जिप्सियों व अन्य अवांछितों से घृणा का सबक सीखते थे। गहन विचारात्मक और शारीरिक प्रशिक्षण के बाद लगभग 18 साल की उम्र में वे लेबर सर्विस, श्रम सेवा में शामिल हो जाते थे। इसके बाद उन्हें सेना में काम करना पड़ता था और किसी नाथसी संगठन की सदस्यता लेनी पड़ती थी। अब जैसे कि हिटलर पूरा मजबूत हो चुका था, तो वह शुरू से ही चाहता था कि बच्चे जन्म से ही एकदम नाथसी विचारधारा के हो, और इसकी प्रक्रिया उसने शुरू कर दी। पूरे यहूदियों का नस्ल ख़त्म कर दिया, या फिर अन्य जो जिप्सी लोग थे या फिर अपंग लोग थे, उन लोगों को ख़त्म कर दिया गया। और स्कूलों में भी नाथसी की शिक्षा होने लगी, एक अलग पाठ्यक्रम बनाए जाने लगे। नाथसियों और यहूदियों, जर्मन और यहूदी जो थे, उन लोगों को अलग अलग बैठाया जाता था। यहाँ तक कि वे इधर साथ में खेल भी नहीं सकते थे। स्कूल तो छोड़िए, घर आसपास भी वे साथ में नहीं खेल सकते थे। साथ में ऐसे शिक्षक जो कि अविश्वसनीय दिखाई देते थे, उनको नौकरी से हटा दिया जाता था और गैस चैम्बर में मार दिया जाता था। साथ ही साथ जो यहूदियों के बच्चे जब आगे बड़े हो जाते थे, 40 के दशक जब था, तो उन लोगों को भी गैस के चैम्बर में डालकर मार दिया जाता था। स्कूलों में उनको शिक्षा तो दी जाती थी, परंतु बाद में जो था उन्हें अवांछित मानकर गैस चैम्बर में जो था झोंक दिया जाता था और वे सभी मारे जाते थे। बचपन से ही एक जो बच्चे थे उनको यह मानसिकता दे दी कि नाथसी समाज ही जो है वो भविष्य का समाज है और यही जो है हम सबका उद्धार कर सकता है। बच्चों को बचपन से ही जो है वफादार, ईमानदार, आज्ञाकारी, ये सब और एकदम आक्रामक बनने की शिक्षा दी जाती थी। और इसके लिए उन्हें मात्र 10 साल की उम्र में ही युंग फोक में झोंक दिया जाता था। यह एक प्रकार से संगठन था जिसमें जो बच्चों को था उनको लड़ाई, मुक्केबाजी या फिर आक्रामकता, ताकतवर और मर्द बनाया जाता था। और जब वे 14 साल के हो जाते थे तो उनको एक संगठन था वहाँ का हिटलर युद्ध, इसकी सदस्यता लेनी पड़ती थी। और जैसे वे धीरे धीरे आगे जाकर 18 साल के हो जाते थे तो उन्हें लेबर सर्विस में शामिल होना पड़ता था, यानी कि सैनिक बनना पड़ता था। उन्हें एकदम आक्रामक, हिंसा, उपासना, लोकतंत्र की घृणा और हिटलर की उपासना या फिर युद्ध की उपासना और कम्युनिटो जिप्सों जैसे अवांछित जो भी लोग थे उनसे घृणा करने का एकदम बचपन से ही विचार ठोक दिया जाता था उन पर। नाथसी यूथ लीग का गठन 1922 में हुआ था। 4 साल बाद उसे हिटलर यूथ का नया नाम दिया गया। 1933 तक आते आते इस संगठन में 12.5 लाख से ज़्यादा बच्चे थे। युवा आंदोलन को नाथसीवाद के तहत एकजुट करने के लिए बाकी सभी युवा संगठनों को पहले भंग कर दिया और बाद में उन पर प्रतिबंध लगा दिया। तो नाथसी यूथ लीग था जिनमें 10 साल के बाद बच्चों को भर्ती कराया जाता था। इसका गठन 1922 में हुआ था और इसको बाद में आगे जाकर हिटलर यूथ का नाम दिया गया। बस ये हिटलर का जो था बच्चों में बचपन से ही एक मानसिकता, हिटलर के प्रति लोगों के ईमानदार, हिटलर के प्रति ईमानदार रहने के लिए उनको बचपन से ही सिखाया जाता था। तो हर तरफ जो था हिटलर का ही गुणगान होता था। वहाँ पर हिटलर के लिए गाने बनाए जाते थे, पोस्टर, बुक, सब चीज़ में। तो ये जो था हिटलर यूथ के नाम से संगठन बनाया, इसको 1923
33 में आगे जाते जाते इसमें बच्चे आते गए और 12.5 लाख बच्चे हो गए थे 1933 तक इस संगठन में। और जो युवा आंदोलन को नाथसीवाद के तहत एकजुट करने के लिए जो बाकी युवा संगठन थे उनको भी भंग कर दिया गया, ताकि जो है युवा संगठन में आपसी में विरोध ना रहे और वहाँ पर केवल एक ही राज्य चले, वो भी हिटलर का राज्य चले, और सभी के सभी नाथसी रहे वहाँ पर और कोई अन्य नस्ल का समाज ना रहे। आगे देखिए 4.1, मातृत्व की नाथसी सोच। नाथसी जर्मनी में प्रत्येक बच्चे को बार बार यह बताया जाता था कि औरतें बुनियादी तौर पर मर्दों से भिन्न है। उन्हें यह समझाया जाता था कि औरतें मर्द के लिए समान अधिकारों का संघर्ष गलत है, यह समाज को नष्ट कर देगा। इसी आधार पर लड़कों को आक्रामक, मर्दाना और पत्थर दिल होना सिखाया जाता था, जबकि लड़कियों को यह कहा जाता था कि उनका फर्ज एक अच्छी माँ बनना है और शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म देना है और उनका पालन पोषण करना है। नस्ल की शुद्धता बनाए रखने, यहूदियों से दूर रखने, घर संभालने और बच्चों को नाथसी मूल्य मान्यताओं की शिक्षा देने का दायित्व उन्हें ही सौंपा गया था। आर्य संस्कृति और नस्ल की ध्वज वाहक वही थी जो उस समय वह जर्मन का समाज था। नारियों के लिए एक अलग ही विशेष प्रकार के कार्य सौंपे गए थे। उनको मर्द की बराबरी करने का अधिकार नहीं है, जिससे आजकल होता है कि औरत और मर्द दोनों बराबर है, लड़का लड़की दोनों समान है, परंतु उस समय ऐसा नहीं था। जो मर्द थे उनको एकदम लड़ाकू बनाया जाता था, आक्रामक बनाया जाता था और पत्थर दिल बनाया जाता था कि भविष्य में वे किसी को भी मार सके, जबकि लड़कियों को यह बचपन से सिखाया जाता था कि आप अच्छी माँ बने, अपने बेटे को अच्छे से पढ़ाए लिखाए, शिक्षा दे, उनको नाथसी बनाए, एकदम हष्ट पुष्ट बच्चे को जन्म दे एवं उनको आर्य संस्कृति और अपने नस्ल जो जर्मन नस्ल है उसका ध्वज वाहक बनाने के लिए जो भी जिम्मेदारी थी वह माँ की थी। 1933 में हिटलर ने कहा था, मेरे राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक माँ है, लेकिन नाथसी जर्मनी में सारी माताओं के साथ भी एक जैसा वर्ताव नहीं होता था। जो औरतें नस्ली तौर पर अवांछित बच्चों को जन्म देती थीं उन्हें दंडित किया जाता था, जबकि नस्ली तौर पर वांछित दिखने वाले बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को इनाम दिए जाते थे। ऐसी माताओं को अस्पताल में विशेष सुविधाएं दी जाती थी, दुकानों में उन्हें ज़्यादा छूट मिलती थी और थिएटर व रेलगाड़ी के टिकट उन्हें सस्ते में मिलते थे। हिटलर ने खूब सारे बच्चों को जन्म देने वाली माताओं के लिए वैसे ही तमगे देने का इंतजाम किया था जिस तरह के तमगे सिपाहियों को दिए जाते थे। 4 बच्चे पैदा करने वाली माँ को कांसे का, 6 बच्चा पैदा करने वाली माँ को चांदी का और 8 या उससे ज़्यादा बच्चा पैदा करने वाली माँ को सोने का तमगा दिया जाता था। निर्धारित आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली आर्य औरतों की सार्वजनिक रूप से निंदा की जाती थी, उन्हें कड़ा दंड दिया जाता था। बहुत सारी औरतों को गंजा करके उनके मुँह पर कालिक पोत कर उन्हें गले में तख्ती लटका कर पूरे शहर में घुमाया जाता था। उनके गले में लटकी तख्ती पर लिखा होता था, मैं राष्ट्र के सम्मान को मलिन किया है। इस आपराधिक कृत्य के लिए बहुत सारी औरतों को न केवल जेल की सजा दी गई बल्कि उनके तमाम नागरिक सम्मान और उनके परिवार पति व परिवार को छीन लिए गए। 1933 में जब हिटलर भाषण दे रहा था तो उसने कहा कि मेरे राज्य का सबसे महत्वपूर्ण नागरिक माँ है, क्योंकि माँ ही जो है बच्चों को जन्म देती है हष्ट पुष्ट, और वहाँ पर जो माताएं हष्ट पुष्ट बच्चे को जन्म देती थी उनके लिए विशेष सुविधाएँ उपलब्ध कराए जाते थे, और जबकि जो अन्य नस्ल के बच्चे को जन्म देती थी या फिर कमज़ोर बच्चे को, अपंग बच्चे को जन्म देती थी उनको दंडित किया जाता था, क्योंकि उन्होंने एक अवांछित दिखने वाले बच्चे को जन्म दिया है। साथ ही साथ जो हष्ट पुष्ट बच्चे को जन्म देती थी उनको हॉस्पिटल में सुविधाएं दी जाती थी, दुकानों में छूट मिलते थे, रेलगाड़ी और थिएटर के जो भी टिकट थे उन्हें सस्ते में मिलते थे। जो हिटलर था वह जो माँ थे जितने बच्चे को जन्म देती थी उसके हिसाब पर उनको तमगे देते थे। जैसे अगर सैनिक कुछ अच्छा काम कर रहा है तो उसको तमगे मिलता है, आज के रूप में हम लोग देखें तो मेडल बोल सकते हैं, तो उन लोगों को मेडल। वैसे ही जो माँ 4 बच्चे को जन्म देती थी उनको चांदी के, मतलब उनको कांसे के दिए जाते थे तमगे, और जो 6 बच्चे को जन्म देती थी उसको चांदी के तमगे दिए जाते थे, यानी मेडल आप लोग समझ सकते हैं, या जो 8 या उससे ज़्यादा बच्चे पैदा करते थे उसको सोने के तमगे दिए जाते थे। और जो भी महिलाओं के लिए निर्धारित संहिता थी उन लोगों को जो कार्य सौंपा गया था अगर वे इनका उल्लंघन करते थे तो उनको दंड दिया जाता था, और दंड ही नहीं उनको गंजा कर दिया जाता था, मुंह पर कालिक पोत दिया जाता था और पूरा गले में तख्ती लटका कर उसको शहर घुमाया जाता था, और तख्ती में लिखा होता था, गले में जो लटका हुआ एक प्लेट जैसा रहता है उसमें लिखा हुआ रहता था, मैंने राष्ट्र के सम्मान को मलिन किया है। और केवल एक ही महिला ऐसी नहीं थी जिनको ये सजा हुई थी, बहुत सारे महिलाओं को जेल भी जाना पड़ा और उनके बहुत सारे महिलाओं को अपने पति और परिवार से दूर कर दिया गया। आगे देखिए 4.2, प्रचार की कला। नाथसी शासन ने भाषा और मीडिया का बड़ी होशियारी से इस्तेमाल किया
और उसका ज़बरदस्त फ़ायदा उठाया। उन्होंने अपने तौर तरीके को बयान करने के लिए जो शब्द ईजाद किए थे वे ना केवल भ्रामक बल्कि दिल दहला देने वाले शब्द थे। नाथसियों ने अपने अधिकृत दस्तावेजों में हत्या या मौत जैसे शब्दों का कभी इस्तेमाल नहीं किया। सामूहिक हत्याओं को विशेष व्यवहार, अंतिम समाधान, यूथनेजिया, चयन और संक्रमण मुक्ति आदि शब्दों में व्यक्त किया जाता था। इवैक्यूएशन का आशय था लोगों को गैस चैम्बर में ले जाना। क्या आपको मालूम है कि गैस चैम्बरों को क्या कहा जाता था? उन्हें संक्रमण मुक्ति क्षेत्र कहा जाता था। गैस चैम्बर स्नान घर जैसे दिखाई देते थे और उनमें नकली फव्वारे भी लगे होते थे। जो हिटलर था अपना नाथसी शासन को मीडिया के द्वारा एकदम बड़ी होशियारी से इस्तेमाल किया और मीडिया का बड़े ज़बरदस्त फ़ायदा उठाया। जैसे आजकल अगर किसी को फेमस होता है तो वो मीडिया का फ़ायदा उठाता है, उसी प्रकार हिटलर ने भी उस समय नाथसी जो था उसको फैलाने के लिए मीडिया का जो था सहारा लिया और अपने तौर तरीकों में बयान, मतलब अपने तौर तरीके या फिर किसी को बोलना होता था कि मैं उसे मार रहा हूँ तो कभी यह नहीं बोला जाता था कि मैं उसकी हत्या कर रहा हूँ या मैं उसे मौत के घाट उतार रहा हूँ। जो सामूहिक हत्या थे उनको अंतिम समाधान कहा जाता था या फिर यूथनेजिया, चयन और संक्रमण मुक्ति या फिर इवैक्यूएशन कहा जाता था, और जो गैस चैम्बर वाले घर थे उनको संक्रमण मुक्ति क्षेत्र कहा जाता था ताकि लोगों को इनसे भय ना लगे। और वो ठीक जो थे स्नान घर के जैसे ही दिखते थे और उसमें नकली फव्वारे भी लगे होते थे जिससे जहरीली गैस निकलती थी और लोगों को मारती थी। शासन के लिए समर्थन हासिल करने और नाथसी विश्व दृष्टिकोण को फैलाने के लिए मीडिया का बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल किया गया। नाथसी विचारों को फैलाने के लिए तस्वीरें, फिल्म, रेडियो, पोस्टरें, आकर्षक नारों, इट्स हारी पर्चे का खूब सहारा लिया गया। पोस्टरों में जर्मन के दुश्मनों की रटी रटाई छवियां दिखाई जाने लगी। उनका मजाक उड़ाया जाता था, उन्हें अपमानित किया जाता था, उन्हें शैतान के रूप में पेश किया जाता था। समाजवादियों और उदारवादियों को कमजोर और पथ भ्रष्ट तत्वों के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। उन्हें विदेश एजेंट कहकर बदनाम किया जाता था। प्रचार फिल्मों में यहूदियों के प्रति नफरत फैलाने पर जोर दिया जाता था। द एटर्नल ज्यू इस सूची की सबसे कुख्यात फिल्म थी। परंपरा प्रिय यहूदियों को खास तरह की छवियों में पेश किया जाता था। उन्हें दाढ़ी बढ़ाए और कफ्तान चोगा पहने दिखाया जाता था, जबकि वास्तव में जर्मन यहूदियों और बाकी जर्मनों के बीच में कोई फर्क करना असंभव था क्योंकि दोनों समुदाय एक दूसरे में काफ़ी घुले मिले हुए थे। उन्हें केचुआ, चूहा और कीड़ा जैसे शब्दों से संबोधित किया जाता था। उनकी चाल ढाल की तुलना कुतरने वाले छुछुंदरी जीवों से की जाती थी। नाथसीवाद ने लोगों के दिलो दिमाग पर गहरा असर डाला। उनकी मनोभावों को भड़का कर उनके गुस्सों और नफरत को अवांछितों पर केंद्रित कर दिया। इसी अभियान को नाथसीवाद का सामाजिक आधार पैदा हुआ। नाथसियों ने आबादी के सभी हिस्सों को आकर्षित करने के लिए प्रयास किए। पूरे समाज को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए उन्होंने लोगों को इस बात का एहसास कराया कि उनकी समस्याओं का सिर्फ नाथसी ही हल कर सकते हैं। जिस प्रकार इलेक्शन जब आता है तो यह कहा जाता है अब की बार मोदी सरकार, इलेक्शन हो, रेडियो हो, पोस्टर हो, सब जगह अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार, और यही लाइन फेमस हो के मोदी सरकार जो है दोबारा भी यहाँ स्थापित हुआ। तो ये सब का बहुत महत्व होता है मीडिया का। तो हिटलर ने भी वही किया, इन्होंने जो मीडिया था उसका खूब सहारा लिया, अपने तस्वीर फैलाए, फिल्म में भी अपने दिखाए जाने लगे, रेडियो में भी प्रचार हुआ, पोस्टर बनाए गए, आकर्षक नारे जैसे अब की बार मोदी सरकार, और जो दुश्मन थे उनको रटी रटाई छवि दिखाई जाती थी, जैसे कि भाजपा कांग्रेस की छवि दिखाई जाती है। उसको अपमानित करने के लिए कुछ भी, मतलब एक दूसरे को बहस फेंकते हैं, इसको कौन आम मारेगा, उसको अंडा मारेगा, इसको टमाटर मारेगा, मतलब शब्दों में ही टमाटर फेंक के कोई नहीं मारता है, बस शब्दों के जरिए उनको नीचा दिखाने का कोशिश किया जाता है। तो हिटलर भी जो था वहाँ के अवांछित जो नस्ल थे उनको बचपन से ही लोगों के समक्ष नीचा दिखाया जाता था, उनका मजाक उड़ाया जाता था, उनको शैतान के रूप में पेश किया जाता था। समाजवादी उदारवादी को कमजोर और पथ भ्रष्ट कहा जाता था। इन्हें विदेशी एजेंट के रूप में बदनाम किया जाता था, जो कि ये जर्मन के नहीं है, ये बाहर के हैं। यहूदियों के प्रति नफरत फैलाने के लिए फिल्मों का भी ज़बरदस्त सहारा लिया जाता था, और एक जो बदनाम कुख्यात फिल्म थी उनका नाम था द एटर्नल ज्यू, और जो यहूदियत है उनको खास तरीके के छवि में पेश किया जाता था जिससे जो जर्मन नस्ल है उनको बचपन से ही एक नीचा दृष्टि से देखे। जबकि ये था कि जर्मन और जो यहूदी लोग थे उनमें कुछ खास फर्क नहीं था। अगर आप दोनों को एक जगह खड़ा कर देंगे तो आप पहचान भी नहीं पाएंगे कि ये यहूदी है, ये जर्मन है। उनका वेशभूषा, भाषा सब कुछ सेम था, वे एक जगह मिला जुला भी
रहते थे, उनका चाल ढाल जो था एक जैसा था, परंतु हिटलर लोगों को क्या समझाता था, इनकी जो चाल ढाल वह कुतरने वाली छुछुंदरी जीव जैसे हैं, और ये जो लोग हैं ये केचुआ चूहा या फिर कीड़े लोग हैं। बचपन से ही जो था लोगों के दिलो दिमाग में यह गहरा असर डाल दिया जाता था, उनके प्रति जो थी नफरत की भावना डाल दी जाती थी, और इसी नफरत की भावना को लोगों जो जर्मन लोग थे उनको डालना ही हम लोग का नाथसीवाद का सामाजिक आधार बना। जो नाथसी था उनको समाज में एक आकर्षक छवि दिया गया और उन लोगों में नाथसी के प्रति यह भावना पैदा की गई कि नाथसी ही है जो हमारा उद्धार कर सकता है, जो युद्ध में जो भी हम लोगों को बेइज्जती किया गया उनका बदला ले सकता है। इस वीडियो में इतना ही। आई होप जो वीडियो है आपको समझ में आया होगा। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।